दिस इज सुधु वैली इन एक्सप्लोरर्स पैराडाइज। और अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं देन गेम ऑफ थ्रोन्स का हिंदी डब वर्जन यही बनेगा। अगर आपको बिना टाइम मशीन में इन्वेस्ट किए मेडिएवल एरा में जाना है, सुधु वैली शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन। Tying your shoes every single day is the biggest issue of my life. But जूते की कहानी बताना मेरा काम नहीं है। Let's head to Sur Valley. The first destination here in Sankhu is the oldest place in Sankhu, which is Khastekhar. And Khar in Ladakhi or in this local language means castle or where the king used to stay. This place is pretty amazing. This is where an entire city used to live. It's like living in a historic era, you know. And we'll try to know about more about this place from Sultan, and we'll listen from him maybe some of the local stories, the folklore. I think right now he's trying to find some remains of pottery and all. So this place is pretty amazing. Sir, yahan pe ek jo yahan ki jo Namgyal dynasty hai, jo leke jo Namgyal dynasty related rakhte the, wahan ke ek branch yahan pe is area ka, ye jo area hai yahan pe uska seat of power tha. और जिस एरिए पे हम बैठ रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा सा कैस्टल था एक ज़माने में, तो ये उनका ये समर विंटर रिट्रीट था सर। उसके पास दो घर हुआ करते थे, दो कैस्टल हुआ करते थे। एक ये करसे घर है सर और दूसरा जो करपू घर है, अभी आप उस देखोगे सर रास्ते में तो एक साथ यहाँ पे पूरा अपना जो प्रोविजन थे वो स्टॉक रहते थे पानी के लिए, और उस आदमी पानी का भी नज़दीक होना ज़रूरी होता सर। तो नीचे रिवर है, यहाँ से उनका कुछ सिस्टम रहता कि नीचे रिवर से पानी एक्सेस के लिए भी रास्ता रहता था सर। प्रॉपर उनका एक बड़ा सिस्टम था, बट अनफॉर्चुनेटली ये एरिया डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय कैसे हुआ? एक्चुअली जब जरावर सिंह ने इस एरिया पे अटैक किया था लगभग 1636, तो इस टाइम पे इस एरिया पे अटैक हुआ था, क्योंकि ये लद्दाख का फ्रंटियर एरिया है। तो जो जरावर सिंह का अटैक हुआ था सर, वो किश्तवाड़ से वाया ये चिलिंग नाले से आए थे। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मिला उसको लद्दाख में इस एरिया के लोगों ने दिया, यहाँ के जो राजाओं ने दिया, तो काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिया। तो उन्होंने इस एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय किया था एज पर हिस्टोरिकल अकाउंट्स। ये रूट काफ़ी रिस्की है, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा ध्यान से आना पड़ेगा, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ। क्या बनना है? सोचा नहीं है? सोचा है। क्या सोचा है? टीचर बनना है। तो ये हमारे जो खेती बाड़ी के जो सिस्टम है यहाँ पे, ये प्योर ऑर्गेनिक है। आपको इसमें कोई खाद वाद नहीं होता, हमारे जो केमिकल पर्पस नहीं है, मैक्सिमम यूज नहीं करते यहाँ पे अपने जो लोकल जो कंपोजिट जो खाद होता है। जो हमारे यहाँ पे जो पहले जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस था वो केमिकल फ्री रहा था। अच्छा। वो जो खाद जो है लोकल, जो मतलब खाद जो बाहर से यूरिया वूरिया वगैरह, वो फ्री रहता, फ्री हुआ था। अभी देते हैं तो कुछ लोग यूज़ भी करते हैं, बट मैक्सिमम गाँव में आज भी उतना यूज़ नहीं है यूरिया वूरिया वगैरह का। अच्छी बात है। अभी आलू लगा यहाँ पर भी जो है वेजिटेबल्स है, शायद इन्होंने इसमें भी ऑर्गेनिक जो मैन्योर है, लोकल मैन्योर है, कंपोजिट मैन्योर है, उसी को लगा के ये किया हुआ है। इन द जूरी Thank you.
जो हमारा जो सांगकू एरिया जो सुरु वैली एरिया है ये नेचुरल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत खूबसूरत है। आप रोड के साइड से जाएंगे तो आपको ब्यूटी दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे कल्चरल हेरिटेज भी है जो अंदर है काफ़ी, और जिसको एक्सप्लोइट करने की ज़रूरत है, जो टूरिस्ट मैप पे लाने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा ये लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू यहाँ पे स्टैंडिंग खड़ा है सेंचुरीज से लेके 5-6 सेंचुरीज में शायद ये इसको यहाँ पे बनाए गए थे, तो हज़ारों साल से ये यहाँ पे है। बट देन इसके बारे में लोगों को, खासकर ट्रैवलर्स को, खासकर टूरिस्ट को इतना ज़्यादा जानकारी, इतना ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये एक एज एन हेरिटेज या रिलीजियस या पिलग्रिमेज टूरिज़म को बढ़ाने के लिए, कारगिल के लिए एक एसेट है ये। तो इसके लिए हमारे आजकल के यूथ जो नए यूथ्स हैं उनको ऐसे चीज़ों को वो करना चाहिए। शादी के साथ कंसर्न डिपार्टमेंट टूरिज़म है, उसको भी थोड़ा सा उनको प्रमोशन करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि टूरिस्ट आए, लोगों के लाइवलीहुड में, इकोनॉमी में कुछ फ़र्क आए, चेंजेस आए, इम्प्रूवमेंट आए। So this is my second visit in Sangku, and the reason I love this valley so much is because यहाँ पे जो लाइक जगहें हैं ना, ये आपको मेन रोड पे नहीं दिखती। यहाँ पे हर एक चीज़ यूनिक वे में प्रिजर्व्ड है। एंड अफगानिस्तान में ऐसे बहुत सारे मैत्री बुद्ध स्टैचू थे जिनको तालिबान ने कम्प्लीट डिस्ट्रॉय कर दिए। हमारे पास अब टोटल सिर्फ 4 या 5 ही बचे हैं ऐसे मैत्री स्टैचू। आई थिंक इनको हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने आते वक्त कुछ टॉयलेट्स देखे, कुछ टूरिस्ट सेंटर देखे जो बिल्कुल ही बुरी हालत में थे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लोग यहाँ पे कैसे आएंगे? एंड मैं तहे दिल से सुल्तान का शुक्रगुजार हूँ कि अपने नौकरी को उनने थोड़ा साइड लाइन रख के सांगकू के लिए इतना टाइम निकाला, मेरे लिए इतना टाइम निकाला ताकि मैं इन चीज़ों को देख सकूँ। एंड आज का दिन वॉज बहुत अमेजिंग। आई होप कल सुबह हम टाइम से उठें और कुछ देखें और रात को कुछ अच्छा खाना खाएं। एंड अभी आपको हम सांगकू का एक बहुत सुंदर एरियल व्यू दिखाते हैं। As usual, I thought I'm gonna wake up in the morning at 5 to catch the sunrise over Sulu Valley, but the last few days the travel has been so tiring, so I just slept off and I have no regrets because I had the best sleep. Sultan is waiting for me to have breakfast. He woke up in the morning, he was waiting for me for the sunrise, he took a bath, he was all good like a force a police officer should be, and me, I'm lazy. But now we're gonna catch breakfast with him and then explore the other parts of Sulu today. So this is the second spot or the third spot after Karsekhar, the Maitri Buddha statue, and now we are at the Kalpokhar, which is the, I would say, the most important spot. No more is because कहते हैं कि सियासत ताकत में लोग अपना जज्बात और लोग अपनी चीज़ों की जो अहमियत है वो भूल जाते हैं। सो जो डायनेस्टी वाले थे वो शायद भूल गए। उसके बाद किसने ख़राब किया सर इसको? ये डोगरा इन्वेजन हुआ था जरा सो ये जो भी डोगरा इन्वेजन हुआ था वो ये भूल गए कि कुछ हमारे लिए भी छोड़ के चले जाते। तो अभी यहाँ पे कुछ छोड़ के गए हैं, कुछ गाय, कुछ नॉर्मल घर, लोग, बच्चे, उसके अलावा इस जगह में और कुछ बचा नहीं है। बट हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आज से सैकड़ों सालों पहले लोग यहाँ पे चिल करते थे बिकॉज ये समर स्पॉट था। तो हम आए चिल करने के लिए आप, और जो कुछ बचा है पत्थर ये सब ये हम आपको दिखाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। इस एरिया में दो इम्पोर्टेंट घर थे, करसे घर और करपो घर। तो हमारे यहाँ पे जो नमग्याल डायनेस्टी के ख्री सुल्तान जो लेजेंडरी किंग रहा है,
उसका जो ये जो यहाँ पे जो घर था, जो पैलेस था, वो उनका समर रिट्रीट था। बड़ा इम्पोर्टेंट घर था उस ज़माने में। समर्स के टाइम्स पे वो राजा यहाँ पे रहते थे, इस जगह पे उसका कास्टल बना हुआ था। देन विंटर में कर्से घर पे रहते थे। तो करपो इसलिए बोला जाता है कि करपो वाइट, लद्दाखी ज़बान में वाइट चीज़ को करपो बोलते हैं। तो ये शायद मे बी ड्यू टू द कलर ऑफ द रॉक इट मे बी कॉल्ड करपो, और मे बी शायद जो पैलेस यहाँ पे खड़ा था वो वाइट कलर का था। वी डोंट नो अबाउट इट एग्जैक्टली। तो इतना है जी इस जगह का बारे में। तो ये इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस पत्थर रॉक पे खड़े हैं, यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बना हुआ है। ये बोलते हैं कि जिस वक्त जहाँ पे जो किंग रहते थे, तो किंग का लंगर इस जगह पे हुआ करता था राजा का। तो यहाँ पे वो किचन के वो जो मसाला कूटते थे या कुछ चीज़ें हार्ड होते थे कूटते थे, वो वही जगह है, वही इसी स्पॉट में ये कूटते थे। कहा था ना ये मेडिएवल एरा है। शायद बोरिंग हुआ होगा आपके लिए ये वाला वीडियो, हिस्ट्री ज़्यादा थी ना, पर कभी कभी ये हिस्ट्री हमारे ट्रैवल को डिफाइन करती है। आई विल सी यू अगेन इन दीज माउंटेंस।